असलम डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट एवलांच ब्रेक डाउन एंड जीनर ब्रेक डाउन जीनर ब्रेक डाउन के लिए जो स्पेशली डिज़ाइनड डायोड होता है दैट इज़ कॉल्ड ए जीनर डायोड और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज वोल्टेज रेगुलेटर तो हमारा आज जो टॉपिक है दैट इज जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे जैसे हमारे पास एक सोर्स है डीसी सोर्स हमारे पास है ये कुछ वोल्टेज दे रहा है सपोज इसके जो तो टर्मिनल्स हैं उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज दे रहा है वो रेंज वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं रहता है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम वन टू फाइव वोल्ट ये वन वोल्ट से लेके फाइव वोल्ट तक दे रहा है वोल्टेज तो फ्लक्चुएट हो रहा है बिटवीन वन एंड फाइव ठीक है अगर हम इसके आगे सपोज हमारे पास एक रजिस्टर कनेक्टेड है ठीक है हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में एक लोड है से लोड क्या है देयर इज दे अ बल्ब या एलईडी आप ले सकते हैं एलईडी बल्ब है ठीक है और एल ई डी बल्ब जो है वो मैक्सिमम ऑफ से टू वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्ट कर सकता है यानी कि टू वोल्ट से ज़्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो ये ब्लो ऑफ करेगा ये बल्ब ठीक है तो अब यहाँ पे जो डीसी सोर्स है वो उसका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है ठीक है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में यहाँ पे हम पार्लल में पारल में जीना डायोड लगाते हैं वो जो जीना डायोड होता है नॉर्मल डायोड का सिंबल होता है लाइक दिस इट्स लाइक दिस दिस आर द टू टर्मिनल्स द ट्रायंगुलर रीजन इज कॉल्ड एस पी रीजन एंड दिस लाइन सेगमेंट रीजन इज कॉल्ड एन रीजन। इसके दो टर्मिनल्स हैं दिस इज सिंबल ऑफ नॉर्मल पी जंक्शन डायोड जो जीना डायोड होता है उसका सिंबल क्या होता है ऐसे ये ट्रेंगुलर रीजन है दैट इज पी रीजन एंड यहाँ पे हम ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं ऐसे लाइक दिस यानी कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है यहाँ पे ये इस शेप का है थोड़ा सा जी शेप का तो दिस इज सिंबल ऑफ जीनर डायोड दिस इज सिंबल ऑफ जीनर डायोड तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम ऐसे ही जीना डायोड लगाते हैं ये जो आपके पास आउटपुट है बल्ब है या जो भी लोड होगा उसके पैरल में लगाते हैं से दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डी सी सोर्स एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डी सी सोर्स एंड वो नो दैट देट डायोड किस बायस में काम करेगा रिवर्स बायस में ठीक है तो रिवर्स बायस मीन्स दिस ट्रैंगुलर साइड शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव ठीक है तो ये ऐसे होगा Like ये हमने जीना डायोड को कनेक्ट किया और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू है सी इट इज आर ठीक है और यहाँ पे आउटपुट है तो अब यहाँ पे क्या होगा ये जो डीसी सोर्स है ये फ्लक्चुएट हो रहा है इसका आउटपुट वन वन से लेके फाइव तक फ्लक्चुएट हो रहा है हमें आउटपुट में चाहिए हमें इस बल्ब के एक्रॉस क्या चाहिए टू वोल्ट का ठीक है अब अगर हम वी आई की तरफ देखेंगे जीना डायोड की जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सपोज वोल्टेज एक्सीज है ये करंट एक्सीज है ठीक है ये थर्ड क्वाड्रेंट में चल रही है बात बिकॉज डायोड इज अंडर रिवर्स बायस तो इसका जो वी आई है जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो कोई खास चेंज इन करंट नहीं हो रहा है इट इज़ वेरी माइन्यूट चेंज इन करंट ठीक है जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है रिवर्स करंट में या लीकेज करंट में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है इट इज़ नेग्लिजिबल एंड इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो ठीक है अब जैसे ही आप जीनर वोल्टेज को हिट करते हो वी जेड जो हमने कल देखा ब्रेक डाउन वोल्टेज फॉर जीना डायोड इज कॉल्ड एज जीनर वोल्टेज वी जेड जब आप उसको हिट करोगे यानी कि रिवर्स वोल्टेज जब उसके बराबर होगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगा जीनर ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड देयर विल बी अब्रप्ट इंक्रीज इन करंट ठीक है अब जो है अब एब्रप्ट इंक्रीज इन करंट होगा जब आपने जीनर ब्रेकडाउन वाला वोल्टेज पार किया तो ये होगा वी जेड ठीक है अब आप देख सकते हैं कि करंट कंटिन्यूसली बढ़ रही है विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज यानी कि जब जीनर ब्रेकडाउन होता है उसके बाद जो एब्रप्ट इंक्रीज़ इन करंट होता है जीनर डायोड में यानी कि करंट बढ़ती जाती है ये अपने थ्रू अलाउ करता है करंट टू फ्लो विदाउट एनी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एक्रॉस इट्स टू टर्मिनल्स यानी कि ये तो जीना डायोड के दो जीना डायोड के दो टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अब चेंज नहीं होगा एट जीनर वोल्टेज एट जीनर ब्रेक तो यही प्रॉपर्टी इसको uh, uh, हमें हेल्प uh, करती है इसको यूज़ करने में एज वोल्टेज रेगुलेटर ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा कैसे ये काम करेगा वो हमने देखना है सपोज जो डीसी सोर्स है अगर हम देखेंगे उसका वोल्ट आउटपुट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है वन टू फाइव वोल्ट और आउटपुट पे जो हमारे पास लोड है हमें चाहिए उसके अक्रॉस टू वोल्ट का वोल्टेज ठीक है लेट्स एज्यूम कि ये जो जीना डायोड है ये जो जीना डायोड है इसका भी जीनर वोल्टेज कितना होगा टू वोल्ट ठीक है यानी कि टू वोल्ट तक अगर वोल्टेज है यानी कि जीरो से लेके टू वोल्ट तक अगर वोल्टेज है यानी कि टू वोल्ट से लेस 1.9 समथिंग या 1.8 ठीक है तो तब तक जीनर ब्रेकडाउन नहीं होगा उस सिचुएशन में करंट ये आप देख सकते हो रेड लाइन नेग्लिजिबल होगी करंट इज स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो या ये कंडक्ट नहीं करेगा ऑलमोस्ट ठीक है जैसे ही टू वोल्ट है ठीक है जैसे ही टू वोल्ट टच हो गया तो उस सिचुएशन में करंट एब्रप्ट इंक्रीज हो जाएगा ठीक है अब हम चाहते हैं कि ये जो लोड है ये जो लोड है इसके अक्रॉस टू वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ना लगे ठीक तो है तो दो केसेस हैं यहाँ पे पहला केस कि अगर वन वोल्ट से या ज़ीरो से लेके टू वोल्ट है या लेस देन टू वोल्ट तक है वोल्टेज यानी कि ज़ीरो से लेके वन पॉइंट एट वन पॉइंट नाइन यहाँ तक वोल्टेज है डीसी सोर्स का तो उस सिचुएशन में क्या होगा तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच सपोज़ मान लीजिए आप लेस देन टू वोल्ट का वोल्टेज है तो ये वाला जो डायोड है ये कंडक्ट नहीं करेगा दिस डायोड जीना डायोड विल नॉट कंडक्ट बिकॉज अभी जीनर वोल्टेज से कम वोल्टेज है यानी कि यार कंडक्ट भी करेगा लेकिन माइन्यूट फ्लो ऑफ करंट होगा यहाँ से जीना डायोड से तो मैक्सिमम करंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द बल्ब एंड इट विल ग्लो ठीक है तो आपका लोड काम कर जाएगा चल जाएगा क्योंकि टू वोल्ट से लेस है जैसे जैसे ये फ्लक्चुएट करके टू वोल्ट को क्रॉस करेगा इज इक्वल टू या ग्रेटर देन जब ये टू वोल्ट हो जाएगा यानी कि जब डीसी सोर्स का वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू वोल्ट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा जीनर ब्रेकडाउन होगा जीनर ब्रेकडाउन जैसे ही होगा तो एब्रप्ट इंक्रीज इन करंट होगा एब्रप्ट इंक्रीज इन करंट जो होगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रो द जीनर डायउड ठीक है जब मैक्सिम करंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा थ्रो जीनर डायउड तो इट्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस अब वोल्टेज जो है वो टू वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने देगा ये ठीक है तो जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच टू वोल्ट volt का वोल्टेज रहा तो पारलल में बल्ब लगा है तो बल्ब के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज रहेगा टू वोल्ट तो बल्ब विल कंडक्ट इट विल ग्लो विदाउट बींग डेमेज हालांकि इनपुट वोल्टेज जो है वो टू वोल्ट से ज़्यादा हो गया टू वोल्ट के बराबर आ गया तो होता क्या है जो एब्रप्ट इंक्रीज इन करंट है वो फ्लो होगा किस के थ्रू जीना डायोड के थ्रू और ये बल्ब बच जाएगा ये काम करेगा अपना एट टू वोल्ट ठीक है अब सवाल है कि ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ गया सपोज आपके पास यहाँ पर आउटपुट में फाइव वोल्ट है इन दो टर्मिनल्स के बीच आपने कितना लिया टू वोल्ट तो एक्स्ट्रा जो थ्री वोल्ट है वो लगेगा एकरॉस दिस रजिस्टर ठीक है तो ये अपने आप एडजस्ट करता है करंट का वैल्यू सच दैट जो बचेगा पोटेंशियल डिफरेंस उसका ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रजिस्टर आर और एल के अक्रॉस हमारे लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट रहेगा तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं जीना डायोड को एज वोल्टेज रेगुलेटर तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन ऑफ जीना डायोड दैट इट कैन बी यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज इन एन इन ए सर्किट इन द आउटपुट थैंक यू